हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल प्रिंस गार्डन फ्रेंड्स आज मैं आई हूँ खुशबू नर्सरी में जो कि नीलोठी गांव में है और इस नर्सरी के विजिट के कुछ वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का उस वीडियो के लिए और आज मैं आई हूँ तो फ्रेंड्स मैंने देखा यहाँ पर कुछ नए परमानेंट प्लांट्स आए हुए हैं फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और काफ़ी रिजनेबल रेट पर भी मिल रहे हैं तो मैं वही आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखिए ये है मोगरा के प्लांट ये पुणे की वैरायटी है आपको पॉली बैग में भी मिल जाएंगे और पोर्ट्स में भी मिल जाएंगे और ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एट्टी रुपीज़ का प्लांट मिलेगा सब पर फ्लावरिंग हो रही है बहुत अच्छे से नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स ये देखिए ये इंग्लिश रोज़ का प्लांट है और काफ़ी मेच्योर प्लांट है फ्रेंड्स ये भी पुणे की वैरायटी है बड़े पोली बैग में लगे हुए प्लांट हैं और ये पोली बैग में लगे हुए प्लांट फ्रेंड्स आपको यहाँ से एट्टी रुपीज़ में मिल जाएंगे उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट है ये है ब्लीडिंग हार्ट प्रीत गार्डन की एक वीवर हैं सरिता मीना जी जिन्होंने कमेंट किया था कि मैम कहीं ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट मिले तो ज़रूर बताइए तो मैम आप खुशबू नर्सरी में अभी ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट ले सकती है वहाँ पर मिल जाएगा आपको तो ये एक वाइन होती है फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में थोड़ा सा ये एक वाइन होती है और समर्स में परमानेंट प्लांट होता है ये और समर्स में बहुत अच्छे से ब्लूम करती है और ये फ्रेंड्स आपको पोर्ट में यहाँ पर वन फिफ्टी में मिल जाएगी नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है टिकोमा टिकोमा में ऑरेंज फ्लावर आता है वाइट आता है येलो है तो ये वाइट फ्लावर वाला टिकोमा है ये भी पुणे की ही वैरायटी है ये आपको यहाँ पर हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगी नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है बेगम बहार इस पर पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं और ये देखिए ये प्लास्टिक के बड़े पोट में लगे हुए हैं ब्लैक कलर के पुणे की ही सॉइल दी गई है फ्रेंड्स इसको इसको रिपोर्ट कीजिए तो ये आपके गार्डन में बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा पूरा साल ये आपको वन फिफ्टी में मिल जाएगा नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर गुड़हल के प्लांट भी आए हुए हैं गुड़हल भी परमानेंट प्लांट होता है और पूरी गर्मी भर बहुत अच्छे से ब्लूम करता है और काफ़ी सारे कलर वेरिएशन भी होते हैं इसमें तो ये पोले बैग वाला आपको एटी रुपीज़ में और पोट वाला आपको हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगा उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है गंधराज का बहुत अच्छी खुशबू होती है इसके फ्लावर्स में और वाइट कलर के फ़्लावर आते हैं बहुत सुंदर लगते हैं और ये प्लांट फ्रेंड्स काफ़ी सारी नर्सरियों पर बहुत कॉस्टली मिलता है बट यहाँ पर आपको ये प्लांट सिर्फ सौ रुपये में मिल जाएगा फ्रेंड्स जी हाँ फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पर सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगा क्योंकि बाकी नर्सरीज़ में भी मैंने देखा ये वन हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड तक मिलता है बट यहाँ पर आपको हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगा नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है राखी बेल और इस पर पर्पल कलर का फ्लावर आता है ब्लू कलर का और देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ अगर किसी प्लांट पर फ्लावर आया हुआ होगा तो तो ये देखिए फ्रेंड्स एक प्लांट पर इसका फ्लावर आया हुआ है और ये देखिए ब्लू कलर का फ्लावर आया हुआ है इस पर और बहुत सुंदर फ्लावर तो आता है फ्रेंड और गमले में लगे हुए प्लांट हैं और ये आपको यहाँ पर टू फिफ्टी में मिल जाएगा नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है अलमंडा अलमंडा की बुश वैरायटी भी आती है और वाइन वैरायटी भी आती है ये वाइन वैरायटी है बेल की तरह बढ़ेगी और इसको अच्छा सा सपोर्ट दीजिए फ्रेंड अपने गार्डन में लगाकर ये भी आपके गार्डन में पूरा साल ब्लूम करती रहेगी और ये अलमंडा की बेल आप यहाँ से एटी रुपीज़ में ले सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है पान का प्लांट हमारे घर में लगाया हुआ बहुत शुभ होता है पान का प्लांट और काफ़ी सारे लोगों की डिमांड भी होती है कि पान का प्लांट कहाँ मिलेगा हमें ज़रूर बताइए तो खुशबू नर्सरी में आपको पान का प्लांट भी मिल जाएगा वो भी पोर्ट में लगा हुआ और ये फ्रेंड आप यहाँ से वन फिफ्टी में ले सकते हैं तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा टूर खुशबू नर्सरी में आए हुए नए परमानेंट प्लांट्स का और नर्सरी की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में बढ़िया सी जानकारी के साथ तब तक के लिए बाय हैप्पी गार्डनिंग टेक केयर